Hey guys, नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग आज बात करेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके क्वेश्चन के, जो आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम है, कौन सा, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो गाइज, हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अपना बीएड फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन अगर आप कर रहे हो, या चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से, या महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को जिसको शॉर्ट में एमडीयू बोला जाता है, या फिर कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से, या फिर आईजीयू मीरपुर यूनिवर्सिटी से, या फिर आपका सीडीएल, यानी कि हरियाणा के अंदर गाइज जितनी भी आप लोगों की यूनिवर्सिटी है, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहे हो खासतौर से फर्स्ट ईयर के, तो हम लोग आपको 9 से 10 क्वेश्चन बताएंगे जो आप लोगों के एग्जाम में 101% आएंगे। तो आप लोगों को सबको पता है कि टोटल 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाएंगे, उसमें से कोई 5 क्वेश्चन क्या है आपको सब्जेक्टिव मोड के अंदर अभी तक के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से लिख के दिखाने हैं। तो जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को गाइज अभी बताने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम जो बात कर रहे हैं आज, वो बात किसकी करेंगे गाइज, वो देख लिए महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की, किसकी, एमडीयू की, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की। किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही क्या है, एक फ्रूटफुल चीज होगी। तो गाइस, सबसे पहले आपका बीएड फर्स्ट ईयर, तो इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो है आपका, देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड विकास। तो कहने का मतलब गाइज ये है कि विकास की वृद्धि और इसमें क्या है, आप सारा का सारा अंतर बताइए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है गाइज, डेफिनेटली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपका आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि पूरी बुक का जो निचोड़ है आपका, वो ये क्वेश्चन क्या है बनता है। इसमें हिंदी में क्या कहना चाह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि विकास और वृद्धि के वो कौन से कारक हैं, या कौन से कारण हैं जो इन सभी ग्रोथ को या विकास को क्या है प्रभावित करते हैं, उसकी क्या है आप विवेचना कीजिए। इसी के अंदर एग्जामिनर एक चीज आपसे और भी पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है गाइज, विकास। क्या बोला जाता है, विकास। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 101% क्या है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आने वाला है। तो इसको अपने दिमाग के अंदर आराम से रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आएगा। सेकंड क्वेश्चन की गाइज हम लोग बात करेंगे आपसे, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकंड जो क्वेश्चन है ये है, देखिए क्या है, पियाजे और कॉलबर्ग की जो थ्योरी है उसको क्या है एक्सप्लेन कीजिए। जो जीन पियाजे था, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए थे गाइज, मैंने पहले भी बताया था, जिन्होंने अपने ही खुद के 4 बच्चों पर क्या है, जो बच्चों का विकास होता है उसको चरणबद्ध तरीके से कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसने क्या है बहुत बड़ी थ्योरी दी थी। और ये बहुत बड़े क्या है, एक बॉटनिस्ट थे, बट बाद में ये क्या है एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में क्या है ये दुनिया के अंदर क्या उभर के आए। तो इनकी और कॉलबर्ग की जो थ्योरी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली पूछी जाती है। तो पियाजे और कॉलबर्ग की जो थ्योरी है उसके बारे में क्या है आप एक्सप्लेन कीजिए, और आगे एग्जामिनर आपसे इसी के अंदर एक क्या और सवाल पूछ सकता है वो आप देखिए। ऑल्सो एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस पेरेंटिंग स्टाइल ऑन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड एडोलेंस। अब यहां पर एक बहुत अच्छा सवाल ये बोल रहा है कि जो एडोलेंस होते हैं, ठीक है, और जो बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स का रहने सहने का जो लाइफस्टाइल होता है, उनके विकास पर बच्चों का और जो युवा, यू एडोलेंस क्या होता है, युवा जो बच्चे होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोगों को पता है जो फर्स्ट आप लोगों का बीएड का, हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर के अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपका जो फर्स्ट जो पेपर है, दैट इज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप,
तो इसका सारा का सारा जो श्रेय है और सारा का सारा जो रिलेटिंग है वो किससे रिलेट करता है गाइज आपका, किससे, बच्चों से, यानी उसका विकास कैसे होता है मानसिक शारीरिक, ये सारा का सारा विकास है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स का जो जीने का ढंग है, जो उनकी जीवन शैली है बच्चों पर, और जो यंग बच्चे एडोलेंस जिनको बोलते हैं, उन पर उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी क्या है आप विवेचना कीजिए। तो गाइज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप इसको लिख लेना, ये एग्जाम के अंदर 101% आने वाला है। अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं, उसकी बात हम लोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा गाइज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहे हैं आपको, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑल्सो डिस्कस एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये वाला भी जो एक क्वेश्चन है गाइस कि जो एक्सप्लेन द फैक्टर जो इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसको कौन कौन से जो कारक होते हैं, कौन कौन से जो कारण होते हैं जो उन चीजों को क्या है प्रभावित करती है, और आगे क्या है डिफरेंस ऑल्सो डिस्कस एजुकेशनल जो इम्प्लीकेशन है, क्या क्या इसके अंदर प्रभाव पड़ते हैं, और इनके अंदर जो डिफरेंस है उसके बारे में क्या है आप विवेचना कीजिए। तो गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, जो मैंने आपको बताया है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको पता होना ही चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज इस क्वेश्चन को भी क्या है आप नोट डाउन कर लेना, दैट्स इट। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। गाइस हर साल लगभग एग्जामिनर, देखो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने बच्चों के चरणबद्ध तरीके का या अलग अलग एक परिभाषा बच्चों के लिए और जो एडोलेसेंस स्टेज होती है उसका जो विवेचन या वर्णन किया है, तो उनसे रिलेटेड एग्जामिनर आपसे काफी क्वेश्चन पूछता है। अब ये जो गार्डनर जो थ्योरी है ना गाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपनी बुक के अंदर आप खोल के देखोगे कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द गार्डनर्स थ्योरी एंड डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट एंड गेम, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन लर्न टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द गेम्स। अब जो गार्डनर की थ्योरी है इसकी वर्णन कीजिए या इसकी विवेचना आप कीजिए, ये आपको बताना चाह रहा है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। अगला जो है इसी के क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और बन रहा है, वो क्वेश्चन कौन सा है आप देखिए क्या है, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ द चिल्ड्रन लर्न टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द गेम। अब इसमें ना ये बताया गया कि जो बच्चों की जो गेम है, देखिए जब बच्चे शारीरिक अपनी मान शारीरिक काम करते हैं, जैसे फुटबॉल खेलते हैं या कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो आपको सबको पता है कि उसका जो फिजिकल जो अपीयरेंस है उसमें काफ़ी प्रभावित होता है, उसमें काफ़ी विकास होता है। तो यही वो कह रहे हैं कि अगर बच्चा गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है या काफ़ी खेलता है, तो जब उसकी लाइफ के जो कन्फ्लिक्ट्स आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनमें क्या है ये कैसे उसको रिजॉल्व करता है। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या ये वाला भी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे गार्डनर थ्योरी है और डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट एंड गेम, दोनों स्पोर्ट्स और गेम के अंदर क्या अंतर है, एक्सप्लेन हाउ द चिल्ड्रन लर्न टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द गेम्स, गेम्स के रिगार्डिंग बच्चे अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कैसे क्या है रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात कर लेते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। अगला है एक्सप्लेन मैथड्स, देखिए गाइज एक्सप्लेन मैथड्स एंड वे टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस एडोलेंस बिहेवियर गैदरिंग डेटा फ्रॉम चिल्ड्रन। अब ये कहना चाह रहा है कि एक्सप्लेन द मैथड एंड वे, यानी कि उन तरीकों या उन मैथड्स का डिस्कशन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, उनके बारे में बताइए, जो अंडरस्टैंड करता है किसको, बच्चों को एंड एडोलेंस के बिहेवियर को, गैदरिंग डेटा फ्रॉम द चिल्ड्रन, यानी कि वो कौन कौन से चीज़ें हैं, यानी कि कौन कौन से मेथड हैं या कौन से तरीके हैं या कौन से रास्ते हैं जहां पर हम लोगों को या साइकोलॉजिस्ट को या पेरेंट्स को क्या है बच्चों के और जो यंग बच्चे हैं उनको बिहेवियर, यानी कि वो कैसा व्यवहार करते हैं। आपको पता होगा छोटा बच्चा है, जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, जिस दिन पैदा हो जाता है, उसी दिन से क्या है गाइज
बच्चे का जो विकास है, ठीक है, बच्चे का जो विकास है वो क्या है, एक्टिव हो जाता है, और जब तक वो अपनी एडोलेंस स्टेज को कंप्लीट नहीं करता तो बच्चे का और मनुष्य का जो विकास है वो पूरी जिंदगी लगभग चलता रहता है, बट उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है और जो मेंटली जो उसकी अपीयरेंस है वो एक वक्त के बाद क्या है, स्टॉप हो जाती है। वैसे तो बढ़ती रहती है बट इन सब के हिसाब से वो कुछ एक स्लो हो जाती है। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं तो प्लीज इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये एग्जाम में डेफिनेटली आपके आने वाले हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ गाइज मूव करते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लीजिए कौन सा है। अगला है गाइज वो देखेंगे क्या क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। हाँ ये देखिए अगला जो क्वेश्चन है, हाँ ये आ गया, दैट्स इट। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, आप लर्निंग से क्या समझते हैं या लर्निंग का मतलब क्या है, यानी कि सीखना, यहां पर सीख कौन रहा है, बच्चा सीख रहा है। जो आपका फर्स्ट जो गाइज आपका पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके अंदर बच्चों की और एडोलेंस स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनका ही क्या डिस्कशन है, उनके बारे में हमें स्टडी करनी है, क्योंकि टीचर बनकर आप आगे जाओगे तो आपको छोटी क्लास से लेकर और 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट मिलेंगे जो अपने आप में थोड़े से एडोलेंस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है या आपका क्या अभिप्राय है किससे गाइज, लर्निंग से। लर्निंग का मतलब क्या है, सीखना, क्या है, सीखना। व्हाट आर द रेलिवेंस ऑफ डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज डिफरेंट सिचुएशन, अब ये कह रहा है कि सीखने का मतलब क्या है, इसका क्या अभिप्राय है, और व्हाट आर द रेलिवेंस ऑफ डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज, और जो अलग अलग चीजों को सीखने की जो थ्योरी है उसका क्या अंतर है या वो क्या चीज है, और डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि हर एक अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्नैरियो के अंदर जो बच्चा पूरी लाइफ के अंदर जब से पैदा होता है और जब तक एडोलेंस स्टेज तक नहीं जाता तो वहां पर वो क्या क्या चीजें सीखता है उसकी क्या है, आप विवेचना कीजिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है गाइज आपका, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, व्हाट आर द रेलिवेंस ऑफ डिफरेंट लर्निंग, जो अलग अलग लर्निंग होती बच्चे की, थ्योरीज इन द डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि हर एक अलग अलग सिचुएशन में बच्चा अपने आप को कैसे समझता है, कैसे सोचता है, उसकी सारी की सारी क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आपकी थ्योरी है। तो गाइज अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन आपका क्या बोलता है वो देख लीजिए एक बार। अगला है गाइज, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, एक्सप्लेन द चाइल्डहुड इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन, चिल्ड्रन लिविंग इन अर्बन स्लम सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स मेजर टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन दी स्टेटस, ये वाला जो क्वेश्चन है गाइज आपका, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आज के टाइम के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठता है और ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आप देखिए, एक्सप्लेन चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, जो पॉवर्टी है, ठीक है गाइस, पॉवर्टी जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है कि एक्सप्लेन द चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन चिल्ड्रन लिविंग अर्बन एंड स्लम्स, जो बच्चे मतलब जिनके पास पैसे नहीं होते या जो गरीब होते हैं, ठीक है, अर्बन में या स्लम्स जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो कैसे समाज के अंदर क्या डिप्राइव्ड सेशन में उनको अलग रखा जाता है, उसके बारे में ये बताया है आपको कि उसकी आप एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि पता है गाइस आज के टाइम में जो एजुकेशन है वो कितनी महंगी है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या सोचता है कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ाए, एक अच्छी फीस वो उनको पे करे, बट कहने का मतलब ये है कि जो बाकी जो ये स्लम्स के जो आपके अर्बन स्लम्स में जो बच्चे रहते हैं, आपके जो लड़कियां रहती हैं जो डिप्राइव्ड हैं, कहाँ से, एक अच्छी सोसाइटी से, उनके अपलिफ्ट के लिए आप क्या क्या चीज़ें हैं और ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन देयर स्टेटस, और उनका जो स्टेटस है यानी कि जो सोसाइटी से डिप्राइव्ड जो बच्चे हैं जिनको समाज में बच्चों का अधिकार ही नहीं है, उनको झुग्गी झोपड़ियों से या स्लम से उठाकर हम कैसे समाज के बराबर रख सकते हैं, इसके बारे में क्या है एग्जामिनर आपसे ये सवाल कर रहा है। तो गाइज ये वाला भी सवाल क्या है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो प्लीज इस पर भी टिक कर लेना, ये क्वेश्चन भी आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सटीक बैठता है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइज आपका, नौवां क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लेस्ट, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है,
ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है गाइस, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अ फॉलोइंग, ठीक है। पहला क्या है, इंपैक्ट ऑफ मीडिया इन एडोलेंस। आज के युग में जिस हिसाब से यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, सोशल मीडिया है, तो वो वही कहना चाह रहा है आपसे एग्जामिनर कि इसका एक शॉर्ट नोट लिखिए कि इंपैक्ट ऑफ मीडिया इन एडोलेंस, जो युवा बच्चे होते हैं उनका मीडिया पे क्या प्रभाव पड़ता है। गाइज आपको पता नहीं, आज के टाइम में हर पॉलिटिकल पार्टी, हर एक कंपनी क्या है, सोशल मीडिया पर आ गई है, क्योंकि वही सबसे बड़ी क्या है, उनकी जीत है, वही क्या है, युवाओं पर और एडोलेंस स्टेज है, जो हमारी जो यंग जो पॉपुलेशन है उसको क्या प्रभावित करती है। तो कहने का मतलब ये है, इसीलिए क्या है, आजकल हर इंसान क्या है, मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है देश की परिभाषा गढ़ने के लिए या हर इंसान पर अपना इम्पैक्ट छोड़ने के लिए। तो एग्जामिनर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का रिवाइज कर लेना, आएगा जरूर। अगला है गाइस, मैच्यूरेशन के बारे में आप बताइए क्या है, या पीर इन्फ्लुएंस जो है वो बताइए क्या है आपका। ड्रग एडिक्शन के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो आजकल आधुनिकरण जो हो रहा है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। ये सारे शॉर्ट नोट्स आएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ टीचर ऑन टीचर्स लर्निंग सिचुएशन, किन किन परिस्थितियों में टीचर सीखता है, ठीक है। या फिर अगला क्वेश्चन है रोल ऑफ टीचर्स ऑन टीचर्स, यानी कि जो अध्यापकों का जो रोल है टीचर्स लर्निंग सिचुएशन, उनकी सिचुएशन में उनको कैसे कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं, यानी कि टीचर क्या सीख सकता है, उसको कैसे सीखना चाहिए, वो ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा है, ठीक है गाइस। तो ये 9 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। उम्मीद करूंगा कि ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर, आप लोग इसको मेमोराइज करोगे और अच्छे मार्क्स आने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आज का जो वीडियो है सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। और नेक्स्ट जो कल वीडियो होगा वो सेकंड ईयर के बच्चों के लिए होगा, प्लीज 1.5 महीना कमर कस लीजिए, क्योंकि इसके बाद तो आपके एग्जाम हो जाएंगे और अच्छे नंबर आपके आएंगे। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।